पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 80% जिलाध्यक्षों को बदल दिया। ये बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। भाजपा मिशन 80 को पाने के लिए प्रदेश भर में कई प्रकार के अभियान चला रही है। लंबे समय से पार्टी में जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को बदलने की तैयारी की जा रही थी। मुरादाबाद लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों को पाने के लिए यूपी भाजपा ने अधिकांश जिलों के अध्यक्षों को बदल दिया। इस बार संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ पदाधिकारियों का मानना है कि इससे सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर अन्य तक उत्साह बढ़ेगा। मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष आकाश पाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश पाल के नाम की घोषणा होते ही उनके निवास पर भाजपा पदाधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान आकाश पाल ने कहा कि 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना ही हमारा मकसद होगा। पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का आकाश पाल ने आभार जताया है। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मैं जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया, जिले की बागडोर समय सौंपी है। मैं विश्वास उनके लिए ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी पार्टी हित में सारा काम जो उन्होंने दिया उसको लेकर चलूँगा। पार्टी हित में सारे काम। किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे? क्या अब रणनीति आगे 2024 का हमारा चुनाव है, लोकसभा मुरादाबाद जितानी है हमको, और इसी के लिए जितने सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनको साथ लेकर जितने भी, क्योंकि सारे के देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे मेहनती हैं और जनता सब जानती है, जनता को ने बना लग रखा है मन। 2024 में आदरणीय मोदी जी दोबारा पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी जो पिछली 2019 में चूक हो गई थी उसको हम 2024 में सुधारेंगे और बहुत भारी बहुमत से लोकसभा जिताएंगे। एक बड़ा लक्ष्य है मुरादाबाद, क्योंकि सभी विधानसभाओं पर सिर्फ एक सीट आपके पार्टी। अब परिस्थितियाँ हैं, ये चुनाव में तो बहुत कुछ निर्भर करता है, पर स्थिति पे होता है चुनाव। जो भी है चुनाव की क्या स्थिति रही है, क्या परिणाम उसके आते हैं, वो भविष्य की और उसकी बात रहती है, मगर हमारी तरफ से पूरा अच्छा रहेगा जो हम अच्छे से अच्छा निर्णय दे चुके हैं पार्टी को। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।